नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सिंचाई विभाग नहर पर निर्मित पुलिया की खुदाई कर भुला अल्लेपुर मुख्य मार्ग की खुदाई होने से आवागमन हुआ बंद। परेशान ग्रामीणों से उपजिलाधिकारी को सौंपा पत्र के रास्ता पुनः चालू कराने की मांग की। बुधवार के दिन में 2 बजे अलीपुर गांव के ग्रामीणों ने आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग की तहसील से पूर्व गांव का मुख्य मार्ग नहर की पुलिया से होकर जाता है। लगभग 150 परिवार के आवागमन का मुख्य मार्ग है, जिस पर सिंचाई विभाग के द्वारा नहर पर पूर्व से निर्मित पुलिया को लगभग 1 सप्ताह पहले जेसीबी से हटा दिया गया। वही रास्ता अवरुद्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी अतुल गुप्ता को पत्र सौंपकर रास्ता पुनः चालू कराने की मांग की। वही उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया। इस दौरान फुरकान खान, यूसुफ खान, खुर्शीद खान, फारूक खान, दिनेश मदनवाल, शहनवाज आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम? मैं दिनेश कुमार मदनवाल, ग्राम सभा अलीपुर। सगड़ी तहसील में नहर विभाग जो हमारे अलीपुर गांव का मुख्य रास्ता था वो जेसीबी द्वारा नहर विभाग द्वारा खोद दिया गया है। उसे हमारे गांव के लोगों को और किसानों को दिक्कत हो रही है। वही हम लोग साहब के यहाँ हैं कि जो है उसको पुनः चालू किया जाए। गड्ढा कब खोदा गया? गड्ढा 2-3 दिन हुआ है, उसको नहर द्वारा खोद दिया गया है। उसी के संबंध हम लोग SDM साहब के यहाँ हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रास्ते को पुनः चालू किया जाए। सभी लोग परेशान हैं। अरे समझ लीजिए पूरे गांव का ही वो शॉर्टकट रास्ता है, सभी लोग आते जाते हैं। पूरा हाँ, सभी लोग 2 चक्का बाइक से उसी रास्ते से आते जाते हैं।